और एक और बड़ी खबर, चीन तैयार कर रहा 20 सीरीज विमान की खेप। 20 सीरीज के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर्स की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। J-20 विमान, Y-20 लिफ्टर की संख्या बढ़ा रहा है चीन। Z-20 हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है चीन। साउथ चाइना सी में 20 सीरीज के विमानों से शक्ति प्रदर्शन दिखाया भी जा रहा है। तो चीन की अपनी ताकत इन 20 सीरीज के विमानों से बढ़ती हुई दिख रही है और इसका शक्ति प्रदर्शन ब्लैक सी में किया भी जा रहा है। आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन जो है साउथ चाइना सी में किया जा रहा है और इन विमानों के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाए। तो J-20 विमान, Y-20 विमान, Z-20 हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है चीन की तरफ से, और यही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चीन की तरफ से हो सकता है, क्योंकि चीन अपनी सैन्य ताकत का लगातार सामने दुनिया के प्रदर्शन। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चित कर रहा है कि सैन्य ताकत के मामले में वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और बड़ी बात, जिनपिंग का मिशन 20 सीरीज है क्या? अब हम आपको ये बताते हैं। 20 सीरीज के विमान और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती पर जोर है। J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा Y-20 मालवाहक विमान, ये दूसरा एक बड़ा ताकतवर विमान, Z-20 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स। चीन 20 सीरीज के निर्माण में तेजी दिखा रहा है। चीन के 20 सीरीज विमान देसी तकनीक से बने हुए हैं। अमेरिकी F-35 के जवाब में J-20 विमान बनाए जा रहे हैं। Z-20 हेलीकॉप्टर अमेरिकी ब्लैक हॉक का जवाब है। साउथ चाइना सी में 20 सीरीज विमानों की तैनाती बढ़ाई गई है। तो ये चीन की ताकत है जो कि सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, चीन के अमेरिकी नेवी को टक्कर देने की तैयारी। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पायलटों की एडवांस ट्रेनिंग, रात में एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-15 की लैंडिंग की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले पायलटों को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो ताकत बढ़ाई जा रही है, सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ जो पायलट इस सैन्य ताकत का हिस्सा है उन्हें प्रमोशन भी दिया जा रहा है। तो चीन एयरक्राफ्ट कैरियर पर पायलटों की एडवांस ट्रेनिंग कराई जा रही है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, चीन लगातार समुद्र में ताकतवर कैसे हो रहा है, अब हम आपको ये समझाते हैं। उसकी सीधी टक्कर अमेरिका से है, अमेरिका और चीन, अमेरिका वर्सेस चीन है, इसलिए वो अपनी तैयारी अमेरिका के इर्द गिर्द ही करता है। आपको बताते हैं कि चीन और अमेरिका में से किसकी नेवी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आपको हम ये तुलना दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, US चीन में कौन समंदर का शहंशाह। चीनी नेवी एक तरफ युद्धपोत की आपको संख्या दिखा रहे हैं, चीनी नेवी के पास 777 है तो अमेरिकी नेवी के पास 490 है। आगे बढ़ेंगे युद्धपोत से, और डिस्ट्रॉयर की बात करें तो 41 चीनी नेवी के पास डिस्ट्रॉयर है, अमेरिकी नेवी के पास 92 है। तो जो कंपैरिजन होता है चीन का वो सिर्फ अमेरिका के साथ होता है, और उसका कॉम्पिटिशन भी बड़ा अमेरिका है। न्यूक्लियर बोट्स चीनी नेवी के पास 7 है तो अमेरिका नेवी के पास 50 है। इसके अलावा बढ़ेंगे आगे, वर्टिकल मिसाइल 1000 चीनी नेवी के पास है तो अमेरिकी नेवी के पास 9000 वर्टिकल मिसाइल है। नेवी मैन 2.5 लाख चीनी नेवी के पास है तो अमेरिकी नेवी के पास करीब 3.5 लाख है। और अमेरिका का पलड़ा भारी है निश्चित तौर पर समंदर के शहंशाह के मामले में, लेकिन चीन भी टक्कर दे रहा है। आगे बढ़ेंगे नेवी मैन के बाद बोट्स वर्टिकल की भी जो 1000 बोट्स हैं नेवी के पास, चीनी नेवी के पास तो 9000 मिसाइलें हैं। ये आंकड़ा बताता है कि कैसे अमेरिका का जो पलड़ा है वो चीन पर भारी है। बहरहाल चीन लेकिन कंपटीशन दे रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।